तहसील खनिया थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत पहाड़ा खुर्द का मामला सामने आ रहा है, जहां पर सेल्समैन हरिओम राय द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन होता है, परंतु गरीब लोगों के लिए शासन की योजनाओं का संभावित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी क्रम में देखा जाए तो पंचायत पहाड़ा खुर्द में सेल्समैन हरिओम राय भी गरीब लोगों का हक छीन रहा है एवं गरीब लोगों का अनाज लेकर कालाबाजारी करता है। गरीब लोगों के लिए अभी तक अनाज नहीं दिया गया है। स्वयं सेल्समैन दिन रात कालाबाजारी की कगार पर खड़ा है। ग्रामीण जनों का कहना है कि रातों रात सेल्समैन द्वारा कालाबाजारी की जाती है और हम लोगों के लिए किसी भी प्रकार से अनाज नहीं मिल पाता है। अगर अनाज हितग्राही पर्ची लेकर सेल्समैन उचित मूल्य की दुकान पर जाता है तो उस सेल्समैन यह कह देता है कि अभी शासन से अनाज नहीं आया है, परंतु हकीकत कुछ और ही है। दिन दहाड़े काले कारनामों का काला खजाना बाजार में जाकर तेजी से कालाबाजारी करता है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? किसान भाई। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? काला फाड़ा। अच्छा, ये बताइए आपकी क्या परेशानी है? कितने महीने से राशन नहीं मिला आपको? 4 महीने से। आपने इसकी शिकायत नहीं की? नहीं की। तो आप राशन लेने जाते हो तो क्या बोल देते हैं? मशीन खराब हो गई। अच्छा। हाँ। और ये बच्चों के लिए जो मूंग वगैरह आई थी वो दी? नहीं दी। अच्छा, ये बताइए कौन सा गांव है आपका? कलापाड़ा। अच्छा, तो बताइए क्या परेशानी है आपके लिए? हमारे लिए राशन नहीं मिलता। कितने महीने से नहीं मिला? महीने का मुँह तो 8 साल नहीं मिला। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? कलापाड़ा। अच्छा, ये बताइए आपके लिए राशन कितने महीने से नहीं मिला? 5 महीने से। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की? नहीं, कोई शिकायत नहीं की। तो आपने उनके पास नहीं गई कि हमारे लिए राशन दो, इतने महीने से क्यों नहीं दिया? जाते हैं सो भाग जाता है। अच्छा। और कहते हैं जो नाम कह देते हैं मशीन बंद हो गई। अच्छा। और जो आपके बच्चों के लिए मूंग दी गई है कि नहीं दी गई स्कूल से, जो कंट्रोल पे मूंग आई? नहीं दी। नहीं दी। सही सही बोलिए आपका। अच्छा किशन जी, ये बताइए क्या परेशानी है आपके लिए? आपके लिए जाएगी के कंट्रोल वाल पीसी नहीं दे। हाँ, 4 महीना हो जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की? नहीं की। क्यों नहीं की? अब हमको कहा जा रहा है, वो तो छोटे पारे खा रहे सभी ने दे देते। तो आप राशन लेने जाते हो तो क्या कह देते हैं? हमसे तो भाई ना ही खा रहे थे, हम नहीं। कितने महीने से नहीं दिया आपके लिए? 4 महीने होगा। एक भी बताइए 4 महीना खागा फिर भी खागा। कौन सा गाँव है आपका? आपका बड़ा पारा काला पारा हमारा गुड्डी। अच्छा गुड्डी भाई, ये बताइए आपकी कौन सा गांव है आपका? कलापाड़ा। आपको राशन कितने महीने से नहीं मिला? 5 महीने से। और जो आपके बच्चों के लिए मूंग वगैरह आई थी वो मिली या नहीं? कोई मूंग वगैरह नहीं गई। आपने इसकी शिकायत नहीं की कहीं? हमने नहीं करी। तो आप जैसे राशन लेने जाते हो तो क्या बोल देते हैं वो आपसे? जो कहते थे मशीन बंद हो गई भग जाते है। अच्छा। और कल आ जाना, कल जाऊंगे फिर आएगा ना। अच्छा। अच्छा ये बताइए आपका कौन सा गांव है? खुर्द पहाड़ा। आपको कितने महीने से राशन नहीं मिला? क्या नाम है भाई आपका? किसान। कौन सा गांव है आपका? पहाड़ा। पहाड़ा खुर्द। अच्छा, तो आपको कितने महीने से राशन नहीं मिला? 4 महीने से। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की? नहीं की। हाँ, तो आप जब राशन लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं आपसे? मशीन खराब हो गई। अच्छा, मशीन खराब हो गई। तो आप लगा के भाग जाते हैं। अशोक जी बताइए क्या परेशानी है आपके लिए? राशन नहीं मिला 4 महीना से, और जब बोल देते कि ऊपर से ही नहीं जाओ। आपने इसकी शिकायत नहीं की? की थी ना। क्या हुआ? निराकरण होगा। अच्छा होगा, अभी अभी निराकरण नहीं हुआ। 4 महीना से। कौन सा गांव है आपका? पहाड़ा कला। चार चुनाव हुआ जब हो निराकरण जो डुक रहा हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।